कहाँ गया? चलो जी, जल्दी जल्दी इनवाइट करते रहो सबको, है ना? सब लोग आ जाओ जल्दी, 8 बजे का टाइम दिया था, जल्दी जल्दी आ जाओ। हाँ निक्की राजपूत, बाकी लोग कहाँ हैं? इनवाइट करो, 1-2 मिनट हैं आपके पास तो तब तक। जल्दी जल्दी इनवाइट करते रहो, फिर अपनी स्टार्ट करते हैं। चला जाए, करेक्ट 8 बजे आ जाया करो यार, मैं वैसे ही 8:05 तक स्टार्ट कर पाता हूँ, है ना? जल्दी जल्दी आते जाओ, जो लोग आ गए हो वो लोग लिंक वगैरह शेयर शेयर करते जाओ, जिससे कि बाकी के लोग भी आ जाएंगे, है ना? अपने दोस्तों को भेजो जल्दी जल्दी। मैं जरा 1 मिनट में आया, कोई जरा वेट कर रहा है। चलो भाई, सब लोग आके चलो तो स्टार्ट करते हैं। मैंने कल जो पढ़ाया था, क्यों क्या प्रॉब्लम है भाई महेंद्र बाबू? 8 बजे स्टार्टिंग हो तो जाता है। चलो भाई तो स्टार्ट करते हैं। मैंने कल तक जो पढ़ाया था उसमें कोई समस्या है? नहीं हो तो कमेंट करके बताओ कि कल तक क्या समस्या है। चलो तो आज अपन बिल्कुल नया स्टार्ट करते हैं, परसेंटेज प्रतिशत। तो मैंने जो कल पढ़ाया था 20% की वृद्धि, 20% की कमी हो गई, तो बताइए कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हो गई? इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कल कराए थे, तो चलो इसी पर ही बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, बड़ा आसान सा होगा। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, एक क्वेश्चन लिखो। चलो मैं बोल रहा हूँ, सब लोग लिखते रहिएगा, ठीक है? चलो तो एक क्वेश्चन लिखते हैं। एक वस्तु की कीमत, ऐसे लिखो, एक वस्तु की कीमत 1,000 रुपये, 1,000 रुपये है। अब इसमें इसकी कीमत 20% बढ़ गई, फिर 20% कम हो गई, 20% कम हो गई, तो बताइए कीमत पर क्या प्रभाव पड़ा? कीमत पर क्या प्रभाव पड़ा? ये आपका क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, कोई दम नहीं है, सब लोग आ गए, चलो बहुत अच्छी बात है। तो एक वस्तु की कीमत 1,000 रुपये थी, इसकी कीमत में 20% बढ़ गई, फिर 20% कम हो गई, तो बताओ कीमत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो आपको परसेंटेज तो निकालना, मैंने कल आपको बताया था कि 2 दुनी मतलब 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4% की कमी होगी। लेकिन हमें निकालना है कि रुपये में कितने कितने रुपये की कमी या वृद्धि होगी। तो आप जरा ध्यान समझो, आपको पता है कि 4% की कमी होगी। अच्छा, 4% की कमी होगी कितने पर? 1,000 रुपये पर ना। तो 1,000 रुपये का 4% निकाल दो, कितना आया? 960। 960 हमारा ए वाला आंसर आकर के तैयार हो गया। समझ आ रहा है? बहुत आसान होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, कोई दम नहीं होती। हाँ, इसी में एक क्वेश्चन एक और बोल सकता है
कि वस्तु की अंत में कीमत यहाँ पर बोल देगा कि x है, कीमत x रुपए, और अंत में जा करके बोल देगा अब जो कीमत है ना वो 960 है। तो बताओ स्टार्टिंग में कीमत कितनी थी, तो स्टार्टिंग में निकाल लेना कि भाई जो 960 है वो तो चार कम होने के बाद है, यानी कि 96 के बराबर है, तो 100 क्या होगा, यानी कि कितना। या फिर आप लोगों में बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे होंगे, तो आप पुरानी कीमत को मान लो x, तो अब उसका 96% रह गया क्योंकि 4% की कमी हो गई, तो अब कीमत कितनी रह गई, 960। तो यदि मैं इसे कैलकुलेट करूँगा तो ये कितना आ गया, 10 आ गया, तो x बराबर कितना आ गया, 1000। तो उसी टाइप के क्वेश्चन है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इंक कोई 2 रुपये वाला पेन है? अच्छा थोड़ा छेद करना है इसमें, इंक में देना जरा, इंक के लिए चाहिए। जल्दी जल्दी नोट कर लो, फिर अपन चलते हैं आगे। ब्लैक ही है ना, ठीक है, पेन भी महान था। पकड़ो अपना पेन, चलो जी। इतना नोट कर लिया सबने, थोड़ा इंक और डाल लो, फिर अपन स्टार्टिंग करते हैं। चलो तो स्टार्ट करें, बफरिंग कहाँ हो रही है जी, मैं ही नहीं आ रहा बहुत देर से, मैं ही पढ़ा ही नहीं रहा। चलो जी तो स्टार्ट करते हैं। अब एक अगले टाइप पर क्वेश्चन करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था कल, अब एक नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। चलो कर देना माइक उसे सही, हो गया। चलो तो एक नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं, बिल्कुल अलग, बहुत आसान होगा, तो स्टार्टिंग करते हैं। बोलेगा एक क्वेश्चन आएगा, बोलेगा 20% ऑफ ए, क्या बोलेगा, 20% ऑफ ए, 20% ऑफ ए इज इक्वल टू कुछ बोलेगा, बोलेगा 50% ऑफ बी, ऐसा बोलेगा, और बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ, ज्ञात करो ए इज टू बी, ए अनुपात बी को आपको ज्ञात करना होगा। तो आप कैसे करोगे जरा देखो, तो ए का 20% यानी ए का 20% कैसे लिखोगे, ऐसे ना, अच्छा बी का 50% कैसे लिखोगे, ऐसे, अच्छा तो 100 से तो 100 कट जाएगा, अच्छा 100 से 100 कट जाएगा वो तो ठीक है, लेकिन ए अनुपात बी क्या आएगा। तो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, ऐसे करके ए बटा बी कर दोगे और ए कितना आ गया, 5/2। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना, यहाँ से जो शॉर्ट ट्रिक निकलेंगी वो बहुत काम की होंगी, इसलिए मैं इसे बता रहा हूँ, इसे नोट कर लो। अब जरा देखो इसे निकालना कैसे है, बहुत फास्ट कैसे निकालना है। आप लोग मुझे ये बताओ कि यदि ए का 20% बी के 50% के बराबर है तो बड़ा नंबर कौन होगा, ए होगा या फिर बी। तो आप सबका उत्तर होगा कि सर ए बड़ा होगा, क्योंकि ए का अकेला 20% बी के 50% के बराबर है, यानी कि यदि मैं ए का 40% लूंगा तो बी का तो 100% हो जाएगा, समझ पा रहे हैं ना। चलिए तो यदि इतनी बात समझ में आ रही है ना, तो आप कुछ ऐसा करो, हेरा फेरी कर दो, जो ए के साथ में लिखी है ना वो बी की वैल्यू है, और बी के साथ में लिखी है वो ए की वैल्यू है, यानी ए के साथ में कितना लिखा है 20, वो बी की वैल्यू है, बी के साथ में क्या लिखा है 50, वो ए की वैल्यू है। यदि आप काटोगे ना तो 5/2 वैसे निकल के आ गया, ये पूरी कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत ही नहीं थी, समझ आ रहा है। तो यदि इस तरीके से करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन अपन लिख लेते हैं, बड़ा प्यारा सा होगा, तो एक क्वेश्चन लेते हैं, है ना। चलो किसी का डाउट हो तो बताना, और यदि क्वेश्चन ना आ रहा हो तो इस पर कॉल करके मुझे बोल देना क्या प्रॉब्लम है। तो चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं, 30% ऑफ ए बराबर कुछ परसेंट बोलेगा, इतना परसेंट ऑफ बी, जैसे मैं ए अनुपात बी बोलूंगा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इज टू बी, तो जैसे ही बोलूंगा वैसे निकाल दोगे ना ए और बी का अनुपात, कुछ नहीं करना, हेरा फेरी करनी है, ठीक है ना, सब लोग तैयार हो। चलो
तो यदि मैं कहूँ कि 70% ऑफ बी, तो आपका उत्तर क्या होगा? 7 अनुपात 3। बस हेरा फेरी करनी थी, आंसर आकर के तैयार हो जाता है ना। तो चलो, तो ए के साथ में लिखा है 30, तो बी की वैल्यू है, अरे बी के साथ में लिखा है 70, तो ये ए की वैल्यू है, काट करके 7:3 आ गया। या फिर इसी को उल्टा भर दिया करो ना, 7:3 आंसर आकर के तैयार हो गया। समझ आ रहा है? कोई तकलीफ हो तो उठाए हाथ या फिर कमेंट करें भाई, है ना। चलो तो आगे अपन चले। चलो अब पता है, कभी कभी वो ऐसा नहीं पूछेगा कि ए अनुपात भी बताओ, बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, बोलेगा ज्ञात करो, क्या ज्ञात करना है, बोलेगा 2a + 3b और बोलेगा अपॉन ए प्लस बी। अब ये पता है थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो जाता यदि हमें ए अनुपात बी निकालने में थोड़ा सा समय लगता। तो अब यहाँ पर तो ए अनुपात बी तो हमारा निकलाया रखा है, ए अनुपात बी 7:3 हो गया। अच्छा, ए की जगह पर 7 रखना है और बी की जगह पर 3 रखना है और इसकी वैल्यू निकालनी है, बस इतना सा क्वेश्चन है, आंसर आ जाएगा। समझ आ रहा है? चलो देखते हैं। ए की वैल्यू 7 है, तो यदि मैं 7 रख दूँ, बी की जगह पर 3 रख दूँ, तो 14 और 6 कितना हो गया, 14 और 6 20 हो गया। अच्छा, ए प्लस बी यानी कि 7 और 3 कितना हो गया, 10, 0 से 0 कट गया, 2 हमारा आंसर आ गया। समझ आ रहा है? बहुत आसान होता है ऐसे क्वेश्चन करना, बहुत आसान है ये, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कर लोगे। निक्की राजपूत, क्या प्रॉब्लम आ रही है, बफरिंग ज़्यादा हो रही है क्या? जियो वाले भी ना नेट बहुत प्रॉब्लम करते हैं, वाईफाई लगवाना पड़ेगा। चलो यार, अब हो रही है क्या बफरिंग, कमेंट करके बताओ भाई, क्या बफरिंग वफरिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है क्या? चलो तो आगे चला जाए। अब एक अगला टाइप का क्वेश्चन आएगा, बोलेगा 30% ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू, बोलेगा कुछ बोलेगा 50% ऑफ ए माइनस बी, बोलेगा ए प्लस बी का 30% जो है वो बराबर है कितने के, ए प्लस बी का 30% बराबर है ए माइनस बी के 50% के, और बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड करो, फाइंड करना है ए अनुपात बी, ऐसा वो बोलेगा। अब आप कैसे करोगे, एक बार डिटेल में करते हैं फिर हम इसे उड़ाएंगे, और मैथ में आधे से ज़्यादा मैथ ऐसा है कि जो पेन उठाने वाला ही नहीं है, है ना। पहले लेकिन हम देखते हैं, क्योंकि डिटेल देखने के बाद ही शॉर्ट का मजा आता है। ए प्लस बी का 30%, तो 30% कैसे लिखोगे ऐसे ना, और ऑफ है, ऑफ का मतलब का मतलब गुणा, तो ए माइनस बी का यानी कि ए माइनस बी का 50%। तो आप देख पा रहे हो कि 100 से 100 तो बड़े प्रेम पूर्वक कट रहा है, 0 से 0 भी कट रहा है। तो आपको क्या करना होगा, 3 का गुणा कर दो, इधर 5 का गुणा कर दो, 3 का गुणा करोगे तो 3a + 3b बराबर 5 का गुणा करोगे तो 5a - 5b। अच्छा एक बात बताओ, यदि यहाँ पर a और b में वैल्यू आ गई, क्या a और b का अनुपात निकाल दोगे? बिल्कुल निकल जाएगा, बड़ा आसान होगा। तो चलो देखते हैं, ए 3a यदि इधर आ जाएगा तो 5a में से घट जाएगा, ये 3a प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और यदि इधर आएगा तो माइनस का हो करके 2a रह गया। अच्छा ये 5b है, माइनस का है, इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो करके जुड़ जाएगा तो a हो गया 8b। और यदि मैं यहाँ पर a बटा b निकालना चाहूँगा तो बस a नीचे चला गया, अरे b यहाँ पर आ गया ऐसे मान लो, तो 8/2 रह गया, 8/2 का मतलब कितना, 4/1 है ना। और चाहे मैं 2:3 लिखूं या फिर 2/3 लिखूं, बात दोनों बराबर होती है, यानी कि जो फ्रैक्शन होता है वो एक अनुपात भी होता है। यदि आप ऐसे इस बात को समझोगे ना, तो ए और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 4 आ गई, बी की वैल्यू 1 आ गई, ये 4:1 आ गया। समझ आ रहा है? बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है, बिल्कुल आसान सा, ठीक है। तो मैं आधा मिनट का टाइम दे रहा हूँ, इसे नोट कर लो, फिर अपन शॉर्ट देखेंगे। भाई शॉर्ट के लिए डिटेल जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं डायरेक्ट शॉर्ट ऐसे नहीं बता सकता, है ना। चलो जल्दी जल्दी नोट करते रहो, और नोट करने के बाद बोल दो जी सर नोट कर लिया, फिर मैं आगे चलता हूँ। चलो जी, इसे अपन समझते हैं कि इसे और कैसे कर सकते हैं। आप इसे ऐसे करो, देखो जी कितना आसान है, ए और बी का यदि अनुपात निकालना है, एक तरफ जोड़ दो, जोड़ के कितना आया 50 और 30 80, एक तरफ घटा दो, घटा के कितना आया 20, दोनों का अनुपात निकाल दो, 4:1 आंसर आ गया जी। इतना ना कुछ करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, फालतू में कर रहे थे। समझ आ रहा है?
बहुत आसान है। मैंने क्या कहा, एक बार जोड़ के लिख दो, एक बार घटा के लिख दो, आंसर आकर के तैयार हो गया, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन ऐसे ना रटने का क्या मतलब निकलेगा, हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जोड़ करके और घटा करके हमारा आंसर आ रहा है। तो मैं आपका एक मिनट लूँगा, बहुत अच्छे से अपन एनालिसिस करेंगे, पहले नोट कर लो जल्दी से। सब लोगों ने नोट कर लिया, चलो जी बहुत अच्छी बात है, अब अपन चलते हैं आगे, ठीक है, इसे रफ कर दूं। चलो अब अपन समझते हैं कि ऐसा मैंने क्यों कहा कि एक तरफ जोड़ दो और एक तरफ घटा दो, और कह भी दिया तो आंसर कैसे आ गया, कोई जादू था क्या? कोई भी जादू नहीं था जी। तो अपन चलते हैं कि इसे कैसे करना है, ए और बी अपने को फाइंड करना था, तो एक बार और करते हैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में। एक तरीका होता है इक्वेशन सॉल्व करने का, मैंने बताया भी था, और अभी मेरे 3-4 लेक्चर ही हुए तो शायद मैंने ना भी बताया हो, तो अपन देख लेते हैं। तो मान लो कि दो इक्वेशन है, x प्लस वाई बराबर मान लो कि 50 है, x माइनस वाई बराबर मान लो कि 20 है, और आपको वैल्यू फाइंड करनी है x और y की। तो आप कैसे करोगे, एक तरीका तो है कि x y से y काट दो, 2x की वैल्यू आ गई, फिर x की वैल्यू आ जाएगी, और फिर x की वैल्यू दूसरे में रखोगे फिर y की वैल्यू आएगी। ये तो बहुत लंबा तरीका हुआ ना। आपको क्या करना चाहिए, आपको ये करना होगा कि यदि आपको बड़ी वाली वैल्यू निकालनी है, क्या आप इसमें बड़ी वाली फाइंड कर पा रहे हो? भाई इस वाली इक्वेशन से तो बड़ी वाली नहीं पता चलेगा, यहाँ से पता चल रहा है क्योंकि x में से पूरा बाई घट रहा है, तब भी तो 20 बच रहा है, यानी कि इसका मतलब x क्या होगा, बड़ा वाला नंबर, बाई होगा वो छोटा वाला नंबर होगा। समझ पा रहा है ना, ना आए तो बताना मुझे। अच्छा x की वैल्यू निकालनी ना, तो बस इन दोनों को जोड़ के और आधा कर दो, कितना आया 35। अच्छा बाई की वैल्यू निकालनी है ना, तो क्या करो, इन दोनों को घटाओ, घटा के कितना आया 30, और उठा करके आधा कर दो, कितना आया 15। तो ये हमारी वैल्यू आ गई 35 और 15। ऐसे करके हम इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन याद रखना सिर्फ नॉर्मल इक्वेशन, यदि यहाँ पर 2/3/y होगा तो हम जोड़ जोड़ के आधा आधा करेंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चलो तो अब चलते हैं आगे। अब जरा देखो, क्या यहाँ पर लास्ट वाले क्वेश्चन में यहाँ पर ए हुआ करता था, यहाँ पर बी हुआ करता था, तब आप क्या कर देते थे, बिल्कुल हेरा फेरी कर देते थे। अब यहाँ पर यदि ए प्लस, यदि मैं पूछूँ कि क्या आप अनुपात निकाल सकते हो ए प्लस बी अनुपात ए माइनस बी का, आप कहोगे जी बिल्कुल, इसमें तो बस हेरा फेरी करनी होती है, ये 30 और 50 है, 0 से 0 तो कट ही जाएगा, 5/3 आ जाएगा। किसी को ऐसा लग रहा हो कि मैं फास्ट कर रहा हूँ, बहुत सारी स्टेप छोड़ रहा हूँ, तो मुझे बताना जरूर, ठीक है ना। चलो तो 5/3 आ गया। अब आप मुझे बताओ, एक एक वैल्यू, एक क्या है, इक्वेशन नहीं बन गई, एक्स प्लस वाई 5, एक्स माइनस वाई की जगह ए माइनस बी 3 आ गया, तो क्या ए अनुपात भी निकाल लोगे? कैसे इक्वेशन सॉल्व करते थे, जोड़ के आधा और घटा के आधा, यही करते थे ना। तो बिल्कुल ऐसा ही करो, जोड़ो 8 आया, 8 का आधा कर दो। आधा मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ बट्टे में, तो क्योंकि मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। और बाइक बी की वैल्यू निकालनी है तो घटाओगे यानी कि 2 और आधा कर दोगे यानी कि बटा दो, तो काटोगे तो वही आ जाएगा। लेकिन काटा पीटी क्यों करनी है, 2 से 2 तो वैसे ही कट जाएगा। जब आप दोनों में आधा कर रहे हो, दोनों जगह पर जब आधा कर रहे हो, तो अनुपात में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दोनों आधे से आधा कट जाएगा, बट्टे में तो इधर भी है, बट्टे में तो उधर भी है, तो वो कट रहा होगा। समझ पा रहे हैं, ठीक है। यदि आप इतना समझ पा रहे हो ना, तो बस ये 4/1 आ गया, तो आप तो बस इतना कर दो। जरा देखो, भले ये हेरा फेरी होगी लेकिन वैल्यू तो यही रहेगी 30 और 50। इसीलिए मैंने कहा था एक तरफ जोड़ के लिख दो और एक तरफ घटा के लिख दो यानी कि 20। हालांकि उसका आधा भी करना होगा, लेकिन दोनों तरफ आधा कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, है ना। तो यदि मैं ऐसा क्वेश्चन दूंगा तो आप बहुत अच्छे से निकाल सकते हो, एक तरफ जोड़ के लिख दो, एक तरफ घटा के लिख दो, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। समझ पा रहे हैं। चलो जगदीश जी, हो सकता है कि आपके नेट में कोई प्रॉब्लम हो, सब लोग बोल रहे हैं कि क्लियर है, केवल आप ही बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम है, है ना। कोई और बोल रहा है कि नेट में बफरिंग वगैरह की प्रॉब्लम? चलो तो इसे मैं रफ कर दूं। चलो अभी मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बड़ा सिंपल सा होगा, बहुत आसान सा। चलो तो एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत आसान सा होगा। निक्की राजपूत, क्या प्रॉब्लम है? बफरिंग की प्रॉब्लम है क्या? जिसको भी प्रॉब्लम लग रही है वो फोन लगा करके बोले जरा, यार माइक भी टेस्टिंग हो जाएगा, जल्दी कॉल लगा दो।
लगाओ लगाओ, मैंने आपके लिए एक नया सिस्टम बनाया था, कल से स्टार्ट किया था। इस नंबर पर फ़ोन लगाओगे तो वो यहाँ पर आपके क्वेश्चन पूछने के लिए मैंने सुविधा बनाई है, आप फ़ोन लगा भी सकते हो, है ना। लगा के देखो, चलो भाई, है ना। आगे चलते हैं, एक नया क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा 30% ऑफ ए प्लस बी बराबर है, बोलेगा 70% ऑफ ए माइनस बी। क्या आप निकाल दोगे ए अनुपात बी क्या होगा? बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ए अनुपात बी ज्ञात करना है। निकाल दोगे? निकालो। किसका उत्तर उत्तर आया या फिर ऐसे ही सब बैठ रहे हो? जल्दी जल्दी आंसर निकालो जी। 2:1 आ गया, चलो अच्छी बात है। तो क्या करना था हमें? एक तरफ जोड़ देना था, एक तरफ घटा देना। तो जोड़ोगे तो कितना आ गया? 100। अच्छा, घटाओगे तो कितना आ गया? 40। 2:1 नहीं आएगा जी, है ना। तो ये कितना आ गया? 5:2। 5:2 आएगा। आपने कितना उत्तर दिया? बहुत सही निक्की राजपूत, तुम तो कॉपी कर रहे हो 2:2, तो यहाँ पर भी 2:2। गलत है भाई, 5:2 होगा। 5 मतलब इन दोनों का टोटल करोगे 100 आ गया, घटाओगे तो 40 होता है जी, 50 नहीं होता, तो 40 हो गया। तो 5:2 आंसर आ गया, ठीक है। चलो भाई आगे चला जाए, इसे मैं रफ कर दूँ। चलो अब यहाँ पर यदि वो ऐसे भी पूछ सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a + 3b, तो वो आप लोग कर लोगे, मैंने लास्ट बार में करा रखा है। अब एक क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं, जरा हम कुछ और तरीके समझते हैं कि इनका अप्लाई कहाँ पर है। अब अप्लाई वहाँ पर है, जैसे कि मान लो कि मैंने एक क्वेश्चन लिखा कि ₹5,000 को ए और बी में इस प्रकार बांटिए, कि ए के भाग का 30%, बी के भाग का 20% के बराबर हो। ऐसा क्वेश्चन बोलेगा तो आपको बांटना है। तो आप देख करके, बस क्वेश्चन देखते ही समझ जाओगे कि कुछ नहीं है, ए का 30%, बी के 20% के बराबर है। तो आपको देखते ही समझ जाओगे कि यदि ऐसा है ना, तो अनुपात तो देखते ही बन जाएगा। देखो, ए के भाग का 30%, तो 30% तो ए में था, तो बी में लिख दिया। बी के भाग का 20%, तो ए में लिख दिया। 2:3 आ गया, बराबर कितना आ गया? 5। 5 बराबर कितना है? 5,000 गुणा कितने का हो रहा है? 1,000 का। और आपको पता है कि ये तो 2 है, तो 2 बराबर कितना होगा? 2,000 होगा। और 3 बराबर कितना होगा? यहाँ पर भी गुणा 1,000 करना पड़ेगा, यानी कि 3,000 होगा। यानी आंसर आके तैयार हो गया, हमें अनुपात मिल गया। उसके बाद कितना टाइम लगना था? कुछ नहीं, है ना। तो चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, है ना, इसी टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन और करते हैं, बड़ा मजा आएगा। चलो देखते हैं, एक क्वेश्चन आएगा, बोलेगा 20% ऑफ ए बराबर 30% ऑफ बी बराबर बोलेगा 60% ऑफ सी। बोलेगा फाइंड द रेशियो ऑफ, फाइंड करना है आपको रेशियो ए बी और सी के बीच का। तो आप कैसे करोगे, जरा अपन समझते हैं, ठीक है। तो कैसे करना है, इन तीनों का एलसीएम ले लो। एक तरीका ये भी है, इन तीनों का एलसीएम कितना है? 60। तो 20 का डिवाइड करोगे तो 3, 30 का डिवाइड करोगे तो 2, 60 का डिवाइड करोगे तो 1। ये अनुपात आ गया, और यदि अनुपात आ गया तो फिर तो काम ही बन गया। मान लो कि टोटल धनराशि दी है या किसी एक के बराबर दी है, तो हम बना लेंगे। तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ गया? 3, 2 और 1 आ गया।
अब जरा बात को समझिएगा, यदि क्वेश्चन में ऐसा कहे कि इतनी धनराशि को इस प्रकार बांटिए कि ए की धनराशि का 20%, बी का 30%, सी का 60% आपस में बराबर हो, तो सब लोग बना लोगे ना, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। चलो तो एक क्वेश्चन अपन लिख लेते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, मैं बोल रहा हूं बड़ा आसान सा होगा, लिखा जाए चलो लिखते हैं, जरा उसे सही कर देना। सही, ठीक है ठीक है, मेरे तरफ ही रहने दे अभी हाल का, चलो बाद में कर देना। चलो यार एक क्वेश्चन लिखो, ए और ए बी और सी की कुल आय 7800 है, ए बी और सी की कुल आय 7800 है, 7800 रुपये, 7800 रुपये, समझ आया, 7800 है। और इसके बाद लिखना, यदि ए के भाग का 10% बी के भाग के 15% के बराबर है, यदि ए के भाग का 10% बी के भाग के 15% के बराबर है और सी के भाग के 20% के बराबर है, और सी के भाग के 20% के बराबर है, यदि ए के भाग का 10% बी के भाग के 15% और सी के भाग के 20% के बराबर है, तो बी की आय क्या होगी, तो बी की आय क्या होगी। सब लोगों ने नोट कर लिया, किसी कोई समस्या हो तो बताए, नहीं है ना, चलो अभी तो वैसे आसान आसान चल रहा है यार, है ना। चलो चलो तो एक बार अपन देख लेते हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कितना आया 3600, चलो बहुत अच्छी बात है, जरा देखते हैं। देखो जी ये भी तो बात लैंग्वेज में ही है, अभी मैं आपको बिल्कुल न्यूमेरिकली बता रहा था कि एक के भाग का हमें अनुपात लैंग्वेज में दे रहा है, लैंग्वेज कितना भी घुमा ले कुछ चीजें ऐसी हो, ये वाले कांसेप्ट एजेंट लागू होंगे, जैसे कि सीआई वगैरह में या फिर एसआई में, कि भाई 10,000 रुपए को इस तरीके से दिया गया कि एक बंदे को एक साल का और दूसरे पर बराबर हो, अभी तो यही तरीका लगेगा तरीका। चलो जरा देख क्या बोल रहा है, एक के भाग प्रतिशत 10% = 15% ऑफ बी के भाग का 15% बराबर है 20% ऑफ सी, क्या हुआ है ना क्वेश्चन में। चलो अब क्या करें, हमें पता है कि तीनों का टोटल 7700 टोटल है, अब क्या करना है इनका रेशियो, तो रेशियो के लिए मैंने आपको बताया क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा, लोगे तो कितना आ गया ये 10, 15 और 20 का तो 8 आते 6 आ गया, इधर 4 आ गया, 20 दिया आ गया, आपको पता चल गया कि अनुपात बी सी जो है ना वो 6 अनुपात जा रहा है। चलो ये बात समझ आ रही है, तो फिर तो आपको बी की आय निकालनी है, तो 7800 बाद में पूरी कैलकुलेशन में दो लाइन याद रखना, किसी को ऐसे इक्वेट करोगे तो आपको याद भी नहीं रहेगा कि कितने का गुणा हो रहा है क्या हो रहा है, जो भी ऊपर लिखे उसके इक्वल वैल्यू नहीं, ऊपर ऊपर ए सी का टोटल लिखा हुआ है, टोटल लिखोगे टोटल 13 दो जो तो एक के बराबर की वैल्यू, एक बराबर कितना होगा, और हम बी की वैल्यू यानी कि 4 निकालना है, तो बी की वैल्यू से गुणा कर चला 6 कितना आ गया 6 × 2400 जी 2400 आएगा, फिर से गलत उत्तर 3300। आशीष शर्मा आ रहे हो क्या, नहीं देर, चलो भाई तो एक अगले बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन होगा। चलो इस कंसेप्ट के अगला करते हैं, है ना, बहुत मजेदार क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन ए है, चलो लिखने के लिए तैयार हो गए सब लोग, लिखो, किसी संख्या अन्य संख्या 20 जोड़ दिया है, मैं लिख देता हूं
यदि किसी संख्या में किसी ऐसी संख्या बीस प्रति जोड़ दिया जाए पचास प्रतिशत बढ़ जाती है। एक क्वेश्चन है और पूछ रहा है कि तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या संख्या का 20 प्रतिशत तो वह संख्या प्रतिशत बढ़ जाती है तो अनुपात क्या होगा। तो जरा समझते हैं, किसी का आंसर आ रहा है क्या? अनुपात निकालना है भाई, बहुत जल्दी निकाल। सनी अपने मोबाइल में इमेज हो ना, कुछ उत्तर आ रहा है। चलो एक बार समझते हैं, यदि किसी संख्या में अन्य संख्या का 20% जोड़ बढ़ रही है, एक बात बताओ ऐसा क्यों हो रहा है? परसेंटेज अपने आप में अलग अलग होता है। परसेंटेज यदि धीरूभाई अंबानी का 1% तो मेरी तो टोटल इनकम के बराबर तो कुल अपने अलग अलग होते हैं। तो एक संख्या का 20 दूसरी संख्या है वो संख्या 50% है, बढ़ जाती है क्योंकि एक परसेंट के बराबर रहा होगा, बराबर होगा इसलिए ना बढ़ गई। चल यानी कि एक संख्या का 20 प्रतिशत जोड़ दिया, संख्या 50% बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि एक संख्या 20 दूसरी संख्या के 50% के परसेंट बढ़ाएगा। तो यहां से आप अनुपात देखते ही निकाल लोगे कि अनुपात 2 है, पैसे उठाने की जरूरत ही नहीं है जी, है ना। एरिथमेटिक यदि स्ट्रांग करना है ना तो हमें छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है, बहुत बड़ी बड़ी बातों पर कुल नहीं देना है ना, भी देंगे बाद में, है ना। बहुत रही है यदि आप लोग देंगे ना प्रॉब्लम कल ज्यादा ठीक है, ज्यादा और क्या नेट हमारा। चलो अगला क्वेश्चन कर, अगला एक का 60% एक संख्या 60 किसी अन्य में से घटाया जाए तो वह संख्या कर बावन प्रतिशत 52 लिखा है जी, है ना, 52% रह जाता। बताइए उनका अनुपात क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या कहानी? तो एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या में से घटा दिया तो घट करके 2% रहा। कहानी है कि परसेंटेज अपने आप में एक अलग संख्या का 2% एक दूसरी संख्या का 2% अलग हो तो अपनी संख्या के अकॉर्डिंग होगा। ध्यान से समझो, एक संख्या का 60% जब मैंने दूसरी संख्या में जब डाल दिया वहां जब मैंने घटाया तो वो संख्या 52% रह गई, यानी कि इसका 60% वाली संख्या तो इसको कितना घटा पाया, 52 तो रह गई तो घटा कितना पाया होगा 48। समझ पा रहे हैं? तो रह गई है, 52 घटा नहीं है, लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, है ना, यहां पर 52% रह गई है तो 48
40% घटी होगी, समझ आ रहा है किसके कारण 60% निकला कि एक संख्या का जब 60% घटे संख्या का कितना घटा पता है 52% घटा है ना, घटा कितना होगा 48, तब ना वो 52% रह गया तो 60% ए बराबर कितना होगा 48% ऑफ बी। तो आप जो आंसर होगा ना वो बड़ा प्यारा होगा कि 48 से दरा गया से काट दिया आंसर आके तैयार हो गया। ठीक है तो आज मुझे लग रहा है ऑफरिंग को ज्यादा हो तो आगे चलो जी तब लग ठीक है अच्छे से पढ़ाई करो जितना मैं बता रहा हूँ अच्छे से तैयार करो और नोट्स ना ठीक है चलो जी गुड नाइट बंद मैं कर लू अभी बंद।